अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेगा अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। तो देखो, जानते हैं क्या कि अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी होता क्या है। तो अमलगमेशन को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अमलगमेशन हमारे यहाँ आया कैसे, अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, या फिर अमलगमेशन को इंट्रोड्यूस्ड कैसे किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं अमलगमेशन का इंट्रोडक्शन। तो देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखो अमलगमेशन था क्या। तो अमलगमेशन की बात करें तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14th में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 1 अप्रैल 1995। यानी कहने का यह मतलब कि द टर्म अमलगमेशन जो कि यूज किया गया था वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1 अप्रैल 1995 में। लेकिन बात यह आती है कि क्या 1995 से पहले हमारे यहाँ अमलगमेशन कॉन्सेप्ट में नहीं था। तो कहा यह जाता है कि नहीं, 1995 से पहले, यानी कहने का मतलब जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1/4/1995 में इंट्रोड्यूस्ड किया, इससे पहले भी अकाउंटिंग स्टैंड, इससे पहले भी अमलगमेशन हमारे यहाँ काम कर रहा था। और प्रायर टू 1/4/1995 यह जो टर्म अमलगमेशन था वो अपने साथ 3 टर्म को कंटेन करता था। पहला अमलगमेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, प्रायर टू 1 अप्रैल 1995 द टर्म अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन हैविंग द सेम मीनिंग। यहाँ हैविंग द सेम मीनिंग कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो टर्म अमलगमेशन था या फिर एब्जॉर्प्शन था या फिर रिकंस्ट्रक्शन था, इन तीनों में जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते थे, बेसिकली इनके अकाउंटिंग के जो भी तरीके थे वो तरीके सेम थे और उनको यूज एक हेड के अंदर ही किया जाता था। लेकिन जब 1/4/1995 में जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमलगमेशन, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, तो इसने क्या किया, ओवर रूल्ड कर दिया ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम को। कहने का मतलब क्या, जो भी पुराना अकाउंटिंग सिस्टम 1 अप्रैल 1995 के पहले फॉलो किया जा रहा था, यानी कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे वो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स चेंज हो गए, और यहाँ से अमलगमेशन के लिए अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद इसने अमलगमेशन को 2 भागों में बांट दिया, यानी अमलगमेशन के डेफिनेशन को 2 एस्पेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिया। पहला एस्पेक्ट वो था जो 1 अप्रैल 1995 के पहले यूज हो रहा था, और दूसरा एस्पेक्ट वो था जो 1 अप्रैल 1995 के बाद एग्जिस्टेंस में आया। यानी पुराने एस्पेक्ट्स जिसपे कि जो कि 1 अप्रैल 1995 के पहले के टर्म को इंक्लूड करता था उसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहा गया, और जो 1/4/1995 के बाद इंट्रोड्यूस्ड किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा AS 14 के अंदर, उसे मॉडर्न एस्पेक्ट कहा गया। तो कहता है यह कि अमलगमेशन को अगर हम बात करें एज पर इसके ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी इसके पुराने तरीके से, तो अमलगमेशन था क्या। तो कहता है क्या, द टर्म अमलगमेशन मीन्स व्हेन 2 or more than 2 कंपनी वेंट इनटू अ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कहने का मतलब क्या कि अमलगमेशन का मतलब वह होगा जब 2 या 2 से अधिक कंपनी अगर वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली जाती है। अब यहाँ एक चीज समझो, लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन कहने का मतलब क्या, जब कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चली जाती है दैट टर्म इज कंसिडर एज अ लिक्विडेशन। अब ये लिक्विडेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन और एक होता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कंपल्सरी लिक्विडेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन होता है आपके कंपनी को बंद करवाने में, और वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब आप अपनी इच्छा से अपनी कंपनी को बंद कर रहे होते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमने अपने जिस ऑब्जेक्टिव से कंपनी को एस्टैब्लिश किया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गई, या फिर हम किसी दूसरे कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, मर्ज करने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं। तो कहता है क्या, द टर्म अमलगमेशन मीन्स व्हेन 2 or more than 2 कंपनी वेंट इनटू अ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। यहाँ पर कंपनी कहाँ चली जाएगी, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली जाएगी, यानी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चली जाएगी। एंड अ न्यू कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड, यह 2 या 2 से अधिक कंपनी जब वॉलेंट्री लिक्विडेशन में जा रही होगी उसी समय एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, यानी एक नया कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगा,
और वो जो नया कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रहा होगा बाय टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी, और वो जो नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही होगी वो लिक्विडेटेड कंपनी यानी वो दो कंपनी जो पहले लिक्विडेशन में जा रही है उसके असेट्स को यानी बेसिकली कहो तो उसके बिजनेस को यानी उसके सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज को अपने अंदर टेकन ओवर कर लेगी और उनके असेट्स और लायबिलिटी के बेसिस पर अब एक नई कंपनी के रूप में काम करेगी। दैट्स कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अमलगमेशन। यानी अगर इसको सिंपल टर्म में हम बात करें तो अमलगमेशन का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक कंपनी यानी वेन टू और मोर देन टू कंपनी ज्वाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, यानी जब एक या एक से जब दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ ज्वाइन हो और वो क्या करे एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करे और एंड दैट न्यू कंपनी कम इन टू एग्जिस्टेंस और वो जो नई कंपनी फॉर्म्ड हो रही है वो एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस में आने के लिए उसे करना क्या होगा तो वो क्या करेगी बाई टेकिंग ऑल ओवर द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड कंपनी। वो करेगी यह कि जो भी ओल्ड कंपनी बेसिकली कहने का मतलब वो कंपनी जो कि लिक्विडेशंस में जा चुकी है उस लिक्विडेट कंपनी के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटी को टेकन ओवर करेगी एंड आफ्टर डेट ऑल कंपनी कम्स इट्स टू एंड, और उसके बाद क्या होगा वो जो पुरानी कंपनी जो लिक्विडेशंस में जा चुकी है वो कंपनी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी और उसके जगह एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी After getting incorporated। अब इसका incorporation होगा कहाँ, तो अगर इसके incorporation की बात करें तो हम इसका incorporation करेंगे Company Act 2013 के तहत, लेकिन अगर कंपनी Company Act 2013 के पहले formation में आई है तो उसका incorporation होगा Company Act 1956 के तहत। यानी कि जब दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ ज्वाइन करती है और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करती है और वो नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए अपनी पुरानी दोनों कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटी को टेकन ओवर कर ले और वो पुरानी कंपनी एंड हो जाए और नया कंपनी एग्जिस्टेंस में आए आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 दैट टर्म्स इज कंसीडर्ड एज अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके मॉडर्न अप्रोच के बारे में। तो देखो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, तो मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14th में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 1995 में, और इसके साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने अमलगमेशन का अपना एक डेफिनेशन दिया जिसके तहत उसने कहा क्या एन अमलगमेशन मीन्स अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब अमलगमेशन होगा प्रोस्यूएंट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट जो कि रिलेटेड होगी कंपनी एक्ट के प्रोविजन से या फिर और एनी अदर स्टैट्यू विच मे बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, या फिर और भी जो अदर स्टैट्यू है जो कि एप्लीकेबल होंगे कंपनीज में उनसे वह रिलेटेड होगी इन विच जिसमें होगा यह विच टू और मोर कंपनी अमलगमेट विथ ईच अदर, जिसमें होगा यह दो या दो से ज्यादा कंपनी क्या करेंगे एक दूसरे के साथ अमलगमेट करेंगे एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे। यानी सिंपल से कहो तो वही बातों को इसने भी दोहराया कि अमलगमेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां दो या दो से अधिक कंपनियां ज्वाइन करेंगी और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन इस अमलगमेशन ने क्या किया दो टर्म को इंक्लूड किया, पहला कहलाया ट्रांसफरर कंपनी और दूसरी कहलाई ट्रांसफरी कंपनी। समझते हैं ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी को। तो देखो ट्रांसफरर कंपनी क्या होता है, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या इट इज द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इन टू अनदर कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी वह कंपनी होगा जो कि अमलगमेट हो जाएगा किसी दूसरी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे मान लो कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। अब यह कंपनी ए सीमेंट का व्यापार करती है और कंपनी बी भी सीमेंट का व्यापार करती है, दोनों कंपनियों को लगता है क्या कि हम लोग अलग अलग जो व्यापार करते हैं इससे अच्छा यह होगा कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं और यह दोनों मिलकर क्या करती है एक सी कंपनी का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ए कंपनी और बी कंपनी जो कहलाएगी वो कहलाएगी ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि ये वो दोनों कंपनी होंगी जो अमलगमेट हो रही है किसी दूसरे कंपनी में और वो जो दूसरी कंपनी जो अमलगमेशन के कारण एग्जिस्टेंस में आ रही है दैट इज कंसिडर्ड एज कंपनी सी, जिसको कि हम कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी। और यह जो प्रोसेस ऑब्टेन किया गया है या यह प्रोसेस जो फॉलो किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के द्वारा दैट इज कंसिडर्ड एज एन अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी।
इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। जैसे देखो यहाँ पर एक कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है और दूसरा क्या कंपनी वाई है, यह भी किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। अब होगा क्या कि कंपनी एक्स को लगता है कि यार अकेले बिजनेस करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करें, और यहाँ कंपनी वाई को भी लगता है कि यार अकेले बिजनेस करने से अच्छा है कि हम दोनों कंपनी मिलकर एक साथ बिजनेस करें। अब यहाँ पर होगा क्या, कंपनी एक्स और कंपनी वाई देखो एक साथ जुड़ जा रहा है और एक नया कंपनी का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी इस केस में कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इज कंसिडर एज द ट्रांसफरर कंपनी, वेयर एज कंपनी न्यू कंपनी इज कंसिडर एज द ट्रांसफरी कंपनी, और यह जो प्रोसेस इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया दैट टर्म्ड एज अमलगमेशन। अब इससे होगा क्या, अमलगमेशन क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ गया कंपनी को अमलगमेशन करने के लिए, तो देखो इससे मेरिट्स को समझते हैं अमलगमेशन के। तो बात करते हैं क्या अमलगमेशन से फायदा क्या होता है, तो देखो ऐसे ही समझो कि अगर मान लो जब दो या दो से अधिक कंपनी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगी, और आपको ऐसे ही पता है कि जब कंपनी ऑपरेशंस करती है तो कंपनी को बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस को इनकर्ट करना पड़ता है। अगर मान लो कि सेम नेचर की कंपनी है और वो दो कंपनी ऑपरेट कर रही है मार्केट में, तो वो कंपनी अपना अपना सेपरेट सेपरेट एक्सपेंस इनकर्ट कर रही होगी, लाइक मैनेजमेंट का एक्सपेंस होता होगा, इम्प्लॉय का एक्सपेंसेस होता है, मार्केट का एक्सपेंसेस होता है, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस को वो इनकर कर रही होगी। लेकिन मान लो जब ये दो कंपनी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो इनके एक्सपेंसेस में कमी आएगी कि नहीं आएगी, यानी कहने का मतलब क्या कि अमलगमेशन से एक तो यह फायदा होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपनी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है तो यह एक्सपेंस को कम कर देती है, यानी इट रिड्यूसेस द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ देखो एक बात को और समझो, जब सेम नेचर की कंपनी मार्केट को ऑपरेट कर रही होगी तो उनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मान लो एयरटेल भी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है और रिलायंस भी ऑपरेट कर रहा है, यानी एयरटेल को भी कॉम्पिटिशन देखना है मार्केट में और रिलायंस को भी कॉम्पिटिशन देखना है। लेकिन मान लो कि अगर एयरटेल और रिलायंस दोनों एक नेचर की कंपनी और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो मार्केट में इनके बीच में कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों कंपनी मिलकर ही एक दूसरे के साथ काम कर रही होंगी। तीसरा, जब एक कंपनी अकेले प्रोडक्शंस कर रही होती है तो उसके पास कैपिटल की संख्या क्या होती है, कम होती है। जब कैपिटल उसके पास कम होगा तो वो प्रोडक्शंस को कम करेगी। उसी तरीका से अगर कंपनी दूसरी कंपनी भी है, वो भी कैपिटल, वो भी प्रोडक्शंस का काम कर रही है, लेकिन एज कंपेयर टू दैट कंपनी उसके पास भी कैपिटल कम है। लेकिन मान लो जब ये दोनों कंपनी एक साथ जुड़ जाती है तो क्या होगा, इनका कैपिटल में इंक्रीजमेंट आ जाएगा, यानी आफ्टर ज्वाइनिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी गेट इंक्रीजेस। जैसे ही कैपिटल में इंक्रीजेस आएगा, इसके प्रोडक्शन लेवल में भी इंक्रीज आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास अब नंबर ऑफ मशीनरीज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कैपिटल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन एट लार्ज लेवल पर होगा। साथ ही साथ देखो जब कंपनी ऑपरेट कर रही होती है तो इसके इसको अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर दो कंपनी एक साथ मिल जाती है तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। साथ ही साथ जब कंपनी अमलगमेट होती है तो वो उसके मार्केट शेयर्स को भी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अमलगमेट होती है तो जो भी दोनों कंपनीज के शेयर्स होल्डर होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, दोनों ही एक ही कंपनी के शेयर्स होल्डर माने जाते हैं, जिसके कारण कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ यह भी पाया गया है कि अमलगमेशन से क्या होता है कि कंपनी के गुडविल में भी इंक्रीजमेंट आता है, क्योंकि दोनों कंपनी बहुत ही पुराने समय से ऑपरेट कर रही होती है और जब कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होती है तो इनके गुडविल में भी इंक्रीजमेंट आता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। इसके बाद वाला सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस होगा, तब तक के लिए थैंक यू।